विधायक जी, आप पर भी केंद्र एजेंसियों का जांच का डर है, का है क्या? क्योंकि हेमंत सोरेन ने इस बात का जिक्र किया, सर पर की बात मत नहीं, हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया सदन में कि कैसे सदन के अंदर विधायक बैठे हुए जिन पर केंद्र जांच एजेंसियों की निगाहें, कहां दिमाग रहता है जी? आप लोग बेवजह की बात करते हैं, प्रतिपक्ष के बारे में बोले तो पक्ष की बात आ गए। आपसे हमारा सवाल है कि क्या पक्ष है, क्या फालतू बात करते हैं आप? मंत्री बन रहे हैं आप, कोई सोच रहा, पूछने के पहले सोच लीजिए क्या पूछ रहे हैं, ठीक है? आप समझे नहीं हमारा, नहीं राम राम राम, वेरी राम, हमारा सवाल भैया, पहले पहले तो ये बात समझिए कि किससे क्या सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है? बेवजह की बातें नहीं होनी चाहिए। कैसे पूछा आपने? कोई सूचना सर अभी तक किसी को कोई सूचना नहीं है। सदन की कार्रवाई पर बीजेपी ने, जो विधानसभा अध्यक्ष, उस पर भी आरोप लगाया कि बीजेपी को पर्याप्त समय नहीं दिया बोलने के लिए, उनका रवैया ठीक नहीं था विपक्ष के प्रति। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष को बुलवाया गया, इससे ज़्यादा सम्मान क्या होता है? और बोलने के लिए बहाना बाकी कुछ नहीं है, तो बेवजह का आरोप लगा, तो सबसे पहले अवसर मिला विपक्ष के नेता को, उसमें सम्मान कैसे नहीं मिला भाई? वो अपने से अगर अपमान समझ रहे हैं तो शायद उसी लाइक होंगे। विधायक जी, आप पर भी केंद्र एजेंसियों का जांच का डर है, का है क्या? क्योंकि हेमंत सोरेन ने इस बात का जिक्र किया, सर पर की बात मत नहीं, हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया सदन में कि कैसे सदन के अंदर विधायक बैठे हुए जिन पर केंद्र जांच एजेंसियों की निगाहें, कहां दिमाग रहता है जी? आप लोग बेवजह की बात करते हैं, प्रतिपक्ष के बारे में बोले तो पक्ष की बात आ गए। आपसे हमारा सवाल है कि क्या पक्ष है, क्या फालतू बात करते हैं आप? मंत्री बन रहे हैं आप, कोई सोच रहा है, पूछने के पहले सोच लीजिए क्या पूछ रहे हैं, ठीक है? आप समझे नहीं हमारा, नहीं राम राम राम, वेरी राम, हमारा सवाल भैया, पहले पहले तो ये बात समझिए कि किससे क्या सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है? बेवजह की बातें नहीं होनी चाहिए। कैसे पूछा आपने? वो प्रतिपक्ष बारे बोल रहे हैं तो आपको लगता है पक्ष बारे बोल रहे हैं? जो लोग होंगे उनके पीछे होगा, जो भ्रष्टाचार बढ़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और होना चाहिए। दलितों का फिर स्थान मिल पाए, क्या होगा मुख्यमंत्री? सीधी बात, आप जानते हैं कि गठबंधन के कारण ही वो बने थे, ये भी आप बात जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं बने थे। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उस पर बहुत संज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, बेचारे धुले पिटे लोग हैं। अब वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना, विश्वास मत में आप देखिए कि 40 45 और जीरो का है, आप अविश्वास में भी खड़े नहीं हो पाए। आप देखिए कितनी हालत ख़राब है कि वो विपक्ष में भी खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हेमंत सोरेन के विपक्ष में, जो सर हेमंत सोरेन की सरकार है उसके विपक्ष में अगर हम खड़े होंगे तो हम नेस्तनाबूद हो जाएंगे। इसलिए देखे आपने 45/0 का रेशियो रहा है। बता रहे हैं कि आप बहुत मजबूत स्थिति में हैं। अभी झारखंड में एक हफ्ता के अंदर 2 मॉब लिंचिंग की वारदात हो गई, एक जयनगर और दूसरा रांची में, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो घटना होती है उसका संज्ञान लिया जाता है, सरकार गंभीर है, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे वो बक्से नहीं जाएंगे और पूरी संजीदगी से सरकार इस बात को लेकर के काम कर रही है। ठाकुर जी, बीजेपी इसको मजबूत उठा रही, बांग्लादेशी घुसपैठ जो है मजबूत उठा रही, कैसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी से बोलिए कि अमित शाह से पूछे ये बात। अध्यक्ष जी, बॉर्डर उनके जिम्मे आता है और बॉर्डर सिक्योरिटी अगर फेल है तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। 45-0 का स्कोर रहा, आसानी से बहुमत साबित कर दिया है मंत्री। देखिए आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में हिम्मत नहीं है कि सरकार के आगे सामने खड़े हों। 45-0 का क्या मतलब है? मतलब कोई भी पक्ष में नहीं है, विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो चुका है या उसकी हिम्मत नहीं बची है कि वो खड़ा होकर के सामना कर सके हेमंत सोरेन का, इसलिए कि उन्होंने जो साजिश रची थी उसमें पूरी तरह से फेल हुए हैं। जो षड्यंत्र रचा गया था केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से उससे वो निराश हो चुके हैं कि उसमें फेल हुए हैं, इसलिए अब उनके पास कहने को कुछ है नहीं, तो नहीं वो कर रहे हैं। कांग्रेस का मंत्रिमंडल का कोटा क्या बढ़ेगा कि इस बार? अरे पूरा मंत्रिमंडल कांग्रेस का है, पूरा गठबंधन इंडिया का है और इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो उसमें क्या कांग्रेस, क्या जेएमएम, क्या राजद, क्या एमएल, सब लोग साथ हैं और पूरी ताकत के साथ जनता के लिए काम करने के लिए।